हमारे साथ कामरान जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ हकीम साहब। मैं अपने वालिद साहब के लिए दवाई ले रहा था, टीकेयर आपकी यूज़ की और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उससे। और दूसरा मेरा सवाल था हकीम साहब कि मुझे इम्यूनिटी के लिए आपसे जानना था कि मैं इस दौरान जैसा माहौल चल रहा है, मैं इम्यूनिटी के लिए क्या आपके पास कोई ऐसी दवाई है या आप कोई मुझे नुस्खा वगैरह ऐसा बताएं जिससे इम्यूनिटी हमारे घर में हम अपने बच्चों को अपने बड़े बुजुर्गों को दे सकें ताकि थोड़ा उससे जो बीमारी चल रही है उससे बचाव रहे। ठीक है, देखिए पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की दवाएं लोग ले रहे हैं और जो लोग नहीं ले रहे उनको लेनी चाहिए। इम्यूनिटी की एक दवा, दो दवा, तीन दवा, हमारी सारी दवाएं इम्यूनिटी के लिए काम करती है। घरेलू नुस्खे ले सकते हैं और वैसे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक माजून आती है, माजून आर केयर। ये अगर 5-6 महीने कोई लगातार इस्तेमाल करे तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और फिर बीमारियां उसका ज़्यादातर मुकाबला करने में इंसान सक्षम हो जाता है और फिर ये वायरसेस और वगैरह वगैरह उसको परेशान नहीं करते। अगर आ भी जाएं तो वो मुकाबला कर सकता है और जान बचाई जा सकती है। आज हर शख्स को इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए और रोज़ाना इम्यूनिटी की दवाएं ऐसी लें कि मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए उसकी इम्यूनिटी ज़रूरत के मुताबिक आ जाए, इसलिए माजून आर केयर ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ अभिषेक जी करनाल से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार हकीम जी। जी आदाब जी, अभिषेक बात कर रहे हैं करनाल से। जी जी जी, एक्चुअली माइग्रेन की परेशानी थी हमको काफ़ी समय से। जी जी, उसके लिए थोड़ा जानना चाहते थे, काफ़ी इलाज भी करा चुके हैं। अच्छा, दर्द कैसे होता है आपको, रोज़ाना होता है, एक ही वक्त पे होता है? जी ज़्यादातर एक ही समय पे होता है। अच्छा, कौन सी दवा लेते हैं जब ठीक होता है, इंग्लिश कोई दवा लेते हैं? जी अंग्रेजी ही दवाइयाँ ले रहा हूँ अभी काफ़ी समय से, आपका शो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के मेरे को। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम हमारे सर में दर्द होता है तो अक्सर हमें ये बताया जाता है कि हमें माइग्रेन है। माइग्रेन की एक पहचान है, ये दुनिया का सबसे बुरा दर्द है। सर दर्द में माइग्रेन की एक पहचान है कि किसी भी आम दर्द निवारक दवा से इसमें फ़ायदा नहीं होता। अगर आप कोई भी आम दवा दर्द की लेते हैं और उससे फ़ायदा हो जाता तो माइग्रेन नहीं है बल्कि ये सर्वाइकल है। सर्वाइकल यहाँ गर्दन में एक रग के दबने को कहते हैं जिसकी वजह से हमारे सर में या तो चक्कर आते हैं या दर्द होता है। अगर आम दवा से आप ठीक हो जाते हैं तो इसे बाकायदा आप ये समझ लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करनी होगी रोज़ाना। एक्सरसाइज बहुत आसान है, 2 मिनट रोज़ किया करिए जो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कान ऐसे इससे मिलाइए अपने मोंडे से, ऐसे 2 मिनट तक करना है और 2 मिनट तक ऐसे 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 खूब ज़ोर से मोड़िए। अगर आप 2-2 मिनट ये अमल करते हैं रोज़ाना तो 10 दिन में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और लगातार रखेंगे तो मुस्तकिल फ़ायदा भी मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं राहुल जी आगरा से हमारे साथ। राहुल जी स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी राहुल बात करूँ आगरा से, हमारे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है 4 सालों से। जी क्या एज है आपकी? उम्र है हमारी 25 साल। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हमारा मेहनत का काम, मजदूरी करते हैं खेती बाड़ी। वरना इस उम्र में बहुत कम दर्द होता है और इस उम्र में लोग ठीक भी बहुत आसानी से होते हैं। और मैं एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, और इस दौरान आप मेहनत थोड़ा कम कर दीजिए या रोक दीजिए 1-2 महीने के लिए, नहीं तो आगे जाके ये बहुत बड़ा दर्द बन सकता है। और दवा के तौर पर आप इसे ले सकते हैं कैप्सूल टी केयर, सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाइए, 2-4 हफ्ते में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और अगर आप घरेलू नुस्खा चाहते हैं तो सुरंजान शीरी, गौन सियाह, अलसी और मेथी। सुरंजान शीरी मतलब मीठी,
अलसी और मेथी और गौंसिया, इन चारों चीज़ों को हम वजन यानी बराबर बराबर संतुलन में लेकर पाउडर बनाएं और एक ग्राम सुबह एक ग्राम शाम, खाने के बाद पानी या दूध से इस्तेमाल करें, चंद हफ्तों में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो चंद दिनों में ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे जैसे आपको घरेलू उपचार यहाँ पे हकीम साहब जी ने बताए हैं राहुल जी, वैसे ही आपको करने हैं। फिर देखिएगा, आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग घरेलू उपचार अपना के ही अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, निरोगी काया आप लोगों की हो जाएगी। दर्शकों, देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, ना जाने हम लोग कितने ट्रीटमेंट कराते हैं, हम सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन जब आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, सीधे आप लोगों की हकीम साहब जी से बात होती है, तो सिर्फ हमारा यही एक मकसद होता है कि आप लोग घरेलू उपचार अपनाएं और आप अपने जीवन को जानें कि जीवन कितना अनमोल है। तो जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, यूनानी पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर्स आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको संपर्क साधना है। हकीम साहब जी, जैसा कि आपने शुरुआत में एक जिक्र किया कि सभी लोगों को अमूमन एक परेशानी रहती है, सर्दी जुकाम की, जो कि जाने का नाम नहीं लेती है, और जो वायरस इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है उसकी कहीं ना कहीं जड़ बताई जा रही है ठंड। तो आप इस बात को कितना मानते हैं और अपने आप को हम लोग कैसे बचा सकते हैं घरेलू उपचार से? हाँ, देखिए, दो तीन बुखार हैं ऐसे जी, और इस वक्त में लोगों को बुखार आने भी शुरू हो गए, बिल्कुल बारिश शुरू हो गई। अब जो लोग भी ऐसे होंगे जिनमें इम्यूनिटी की कमी होगी, वो लोग बड़े नुकसान में आएंगे जी। और आम नज़ला बुखार, बुखार खांसी को भी लोग कोरोना समझ सकते हैं जी। तो उसके सिम्टम सबको पता होने चाहिए क्या होता है, और वरना घबरा जाएगा आदमी, क्योंकि इतना खौफ पैदा हो गया हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो उसकी कैफियत और इसकी कैफियत बिल्कुल मिलती जुलती है। आम तौर पर खांसी इस मौसम में शुरू हो जाती है, नज़ला, कफ, बुखार भी आ जाता है। तो जो लोग मजबूत हैं, इम्यूनिटी जिनके अंदर मजबूत है, तो उनको तो कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं, उनको तो एक तो होता ही नहीं है, होता है तो वो एक दो दिन में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों में इम्यूनिटी नहीं है वो बहुत तकलीफ में आ सकते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस स्टाफ, कोई स्टाफ ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ हो। बिल्कुल। कितने ही 100 डॉक्टर पर ये असर कर चुका है, जो अपने आप को बहुत एहतियात में रखता है और बीमारी के बारे में जाता है, तो फिर आम आदमी की इतनी वो नहीं है मालूमात कि वो बचा सके। बचाने का एक ही रास्ता है जी, कि इम्यूनिटी बढ़ाए। इम्यूनिटी के लिए एक एस्टेक आता है, कलौंजी का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। कलौंजी का सत आता है, आसान जबान में कहते हैं कलौंजी का सत, या कलौंजी का नमक आसान जबान में कहते हैं, या कलौंजी का एस्टेक कहते हैं, यानी एस्टेक वो कि उसमें से उसके गुण जो निकाल लेते हैं उसे एस्टेक कहते हैं। हम लोग उसे जौहर कलौंजी कहते हैं अपनी जबान में। तीन चार जबानों में इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको जो आती है वो समझ में आ जाए। ये हर शख्स को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। ये अंदर का सैनिटाइजर है, इसकी एक चुटकी या दो चुटकी, छोटे बच्चे लोग हों तो एक चुटकी सुबह खाएं, एक चुटकी शाम। ये अंदर का सैनिटाइजर है, यानी हम क्या कर रहे हैं कि बार बार हाथ सैनिटाइज कर लिए, मुंह धो लिया साबुन से, ये तो हो गया ठीक। अगर अंदर का सैनिटाइज करेंगे तो जो हर कलौंजी या कलौंजी का नमक कह लीजिए या एस्टेक कलौंजी, ये अगर मिल जाए तो एक एक चुटकी छोटे लोग और दो दो चुटकी बड़े लोग सुबह घर से निकले तो खा लें या घर में ही रहें जी। इतने चुटकी है ये, बड़ों को दो चुटकी, छोटों को एक चुटकी, खाएं जब तक हिंदुस्तान से ये वबा, ये बीमारी रुखसत ना हो जाए। बिल्कुल। हकीम साहब जी, ये मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, शायद आपने भी सुना होगा, जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है
उनको वायरस बहुत जल्दी अपने चपेट में ले सकता है, तो क्या वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं? आपसे इसके बारे में जरूर जानूंगी। कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृष्णा जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी हकीम साहब। जी आदाब जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप फरमाइए। एक्चुअली ना आपका प्रोग्राम मेरी मम्मी जी बहुत देखती है, उनकी बड़ी गुजारिश थी, आपसे एक चीज पूछना चाहती है। उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है और सांस फूलता है बहुत। क्या उम्र है मम्मी की? उनकी है 48। ठीक है, मेरा आदाब कहिए मम्मी को। जी, और देखिए मैं बारहा बताता हूँ कि एक गोंद आता है, गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये रॉ मटेरियल है, असली लीजिएगा, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम इसका पाउडर बना के आप अपनी वालदा को दीजिए, अपनी मम्मी को, और आप देखेंगे कि चंद हफ्तों या चंद महीनों में आपकी मम्मी फिर से वैसी हो सकती हैं जैसे तकलीफ़ से पहले थी। और उनको ये लगातार दीजिए। देखिए ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज की दवा है, इसलिए महीना दो महीना ज़रूर देना। मुझे उम्मीद है आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए, फ़ायदा होना मुमकिन है यहाँ पे हकीम साहब जी ने आपको कह दिया है, क्योंकि ये मर्ज की दवा आप लोगों को बताई जा रही है। तो दर्शकों, आप लोग भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी क्यों ना चल रही हो, अगर आपको लगता है कि ये बीमारी हमारी लाइलाज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग कोशिश करते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, आप यूनानी पद्धति को अपनाते हैं और साथ ही साथ घरेलू उपचार आप लोग करते हैं, वो उपचार जो आपको इस कार्यक्रम से हकीम साहब जी द्वारा बताए जाते हैं, तो निश्चित ही आप लोगों को लाभ मिलता है, आप लोग स्वस्थ हो सकते हैं। तो जुड़िए इस कार्यक्रम से, नंबर्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ कॉलर्स और जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी गौरव जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मेरी उम्र है ना 27 साल है, पर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, बहुत वीकनेस है शरीर में। जी जी, सब कुछ खा लिया सप्लीमेंट वगैरह, पर वजन नहीं बढ़ रहा। कितना वजन है? मेरा 47 किलो। ठीक है। अच्छा देखिए, इसके लिए आप अपने सिस्टम को अच्छा कीजिए। आप खाते तो हैं, लगता नहीं है आपके खाने को, और वो खाना आपके जिस्म को लगने लगे इसके लिए गौन मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना दूध में मिलाकर पिया करें। मुझे उम्मीद है पहले दिन से ही आपको जिस्म को खाना लगने लगेगा, और आपके जो ऑर्गन्स हैं जैसे पेट, लीवर, मैदा, किडनी, सब इतना काम करने लगेंगे जितनी ज़रूरत है। अभी ये सुस्त हैं, तो रोज़ाना 1 ग्राम खाइए और थोड़ा सा वक्त लगेगा, महीना दो महीना, और आपको फायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, मनीष है मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम, मैं मनीष बात कर रहा था। हाँ जी बताइए। जी पैरों में बहुत सूजन आती है, क्या करूँ इसके लिए? मैं बहुत दर्द होता है पैरों में, सूजन, चलने में तकलीफ होती है मेरे। मरीज की उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है 42 साल है सर। अच्छा देखिए, पैरों में सूजन है तो फिर आप एहतियात करें और किडनी का टेस्ट कराएं और खून टेस्ट कराएं, और फिलहाल एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ कि ये जो सिरके आते हैं, बहुत तरह के सिरके आते हैं, लेकिन ये जो जैतून का सिरका, जो जिसे एलो कहते हैं ना, जैतून का सिरका नाम से एक सिरका आता है, वो आप रात को 2-3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी मिलाकर अपनी मम्मी को पिलाया करें, जो भी मरीज़ हो उनको पिलाया करें, तो ये सूजन ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, मनीषा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही हैं? चलिए लगता है आपसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, परेशान बिल्कुल ना हो, फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। दर्शकों देखिए, हम यही चाहते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम से जब जुड़ें तो आप ये समझ जाएं कि अब हमें कोई भी दवाइयों का ऐसे सेवन नहीं करना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ घरेलू उपचार अपनाने हैं, क्योंकि घरेलू उपचार जब आप लोग अपनाएंगे तो फिर आप लोगों को कोई भी रोग नहीं हो पाएगा, या फिर अगर आप लोगों को कोई रोग हो गया है तो वो भी दूर हो सकता है। लेकिन उसके लिए समझना ज़रूरी है कि आखिरकार
अनुसार आपको क्या क्या उपचार करने चाहिए। अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगी, अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है दर्शकों, और हमारी हिंदुस्तान में 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी है। बाकी आप लोग अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, सीधे हकीम साहब जी से बात करना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं।